जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो कहो बोल देंगे। बस होना चाहिए हमारे सिद्धांत विचार और हमारे लोगों के लिए। न्याय अधिकार महासम्मेलन, इतना प्यारा सुंदर मंच, देश की राजधानी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण, बहुजन मीडिया के हमारे हिम्मतवर, ताकतवर, संघर्षशील साथी, आपके बगैर तो कोई आंदोलन सफल होता ही नहीं। तो आपका पुनः धन्यवाद, और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें, और हमेशा जिस तरह से आप आवाज उठाते हैं बहुजन समाज की, ऐसे ही आवाज उठाते रहें। मेरी पुनः मंगल कामनाएं। कल 6 दिसंबर था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस। मैंने सोचा कि कल का काम पूरा हो चुका, अब तो अगले साल याद करना है। तो दिल्ली में अभी क्या हो रहा है, अब तक तो ठंड का भी माहौल हो चुका, हमारे लोगों को चले जाना चाहिए था। जो जिम्मेदारी थी आपकी एक दिन की, वो तो पूरी कर दी है। दो दो दिन सम्मेलन क्यों कर रहे हो, क्यों वक्ता बुला रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो? अब तो 364-365 दिन बाद जागना है। जब पुणे सम्मेलन, पुणे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आएगा तभी आना, क्योंकि हमारे लोगों को लगता है कि एक दिन के सम्मेलन से, एक दिन के आंदोलन से, एक दिन के महापुरुषों के परिनिर्वाण को मनाने से उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती, और हम दूसरे लोगों पे, दूसरे संगठनों पे, दूसरी पार्टियों पे चिल्लाते रहते हैं। मैं समझता हूं न्याय अधिकार महासम्मेलन करवाने वाले साथी धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम बना के हम लोगों को एक अवसर दिया कि हम एक मंच पे आके अपनी बात को रख सके। जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है कि हम यहां किस संख्या में, लेकिन जितने भी हैं इतने लोग तो तैयार हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए। इतने लोग तो तैयार हैं दो दिन से महापुरुषों के मिशन पे काम करने के लिए। ये बहुत, जब एक एक महापुरुष संकल्प करके इतने बड़े बड़े काम करके गए, जब इतने सारे लोग जो यहां उपस्थित हैं और उनके परिवार के लोग, उनको सुनने वाले, उनको चाहने वाले, मानने वाले लोग धीरे धीरे काम करते रहेंगे, तो मुझे लगता है एक दिन हमारा आंदोलन सफल हो जाए। मैं बड़ा उम्मीद वाला व्यक्ति हूं, ना उम्मीद नहीं होता, क्योंकि हमारे जितने पिछला अनुभव सब कहता है, जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं तो वे कहता है कि आंदोलन चलाना जरूरी है, क्योंकि देश तो आजाद 1947 में हुआ, लेकिन हमें अधिकार मिले 1950 में। तो 1950 के बाद जो आगे अधिकार मिले, संविधान में तो लागू थे लेकिन प्रैक्टिकली लागू नहीं हुए, वो सब आंदोलन से मिले। इसलिए आंदोलन चलाना चाहिए, और आंदोलन क्यों चलाना चाहिए, इसके लिए समाज को तैयार करना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए, क्योंकि परंपरा है महापुरुषों को याद करने की। तो आज के इस मंच से मैं फूले साहू अंबेडकर पेरियार, मान्यवर काशीराम मामना, रामसू वर्मा बाबू, जगदेव प्रसाद, जननायक कपूरी ठाकुर, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, सबको नमन करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे मौसम और ठंडा होगा, ठंड बढ़ती जाएगी, और जब ठंड बढ़ेगी तो हमारे लोगों को सबसे पहले, क्योंकि अभाव में रह गए लोग, सताए गए लोग,
लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, उम्मीद वाले लोग, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी, घर के बारे में भी सोचेंगे, तो मुझे लगता है एक डेढ़ घंटे दो घंटे के भाषण से कुछ नहीं होने वाला। चंद मिनटों में जो मुद्दे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इन सभी मुद्दों का समर्थन करता हूं, इन सभी मुद्दों पे हमारा समर्थन है, और जब भी इस मुद्दों को लेकर कोई भी कार्यक्रम होगा हम अग्रणी श्रेणी में रहेंगे, चाहे आंदोलन हो या कार्यक्रम हो। जब भी हमें याद किया जाएगा हम सबसे आगे रहेंगे। पिछले दो दिनों में मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर को पूरे भारत में अपने अपने घरों पे तमाम संगठन पार्टी चलाने वाले लोग अपने अपने मुख्यालयों पे कार्यक्रम करते हैं, इसलिए 6 तारीख में ज्यादा लोग नहीं जुटे, और 7 तारीख में आज दिल्ली में हमारे जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका का नगर निगम का चुनाव लड़ा है, वो सब लोग गिनती में बिजी हैं, वो सब लोग आज अपने संघर्ष की जो है समाज ने जो उनको दिया है उसके ऊपर निर्भर हैं, इस वजह से ज्यादा योगदान हम लोग इस प्रोग्राम में नहीं कर पाए। लेकिन मैं अजय साथियों से भी कहूंगा, पुनः जब वो कोई कार्यक्रम करे हौसला ना त्यागे, एक बार चर्चा विचार करके करें, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि समाज बहुत बलवान है, समाज बहुत ऊर्जावान है, एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण, चाहे दो प्रहल का हो चाहे यहीं का, जब दिल्ली में रविदास गुरुघर टूटा, तमाम उदाहरण है कि हमने बहुजन समाज के लोगों ने अपने झंडे और झंडे का सम्मान रखा, अपने आयोजकों का भी सम्मान रखा। उन्हें सभी वक्तागणों के जो संदेह है, संदेश और संदेह दोनों पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं समझता हूं वाकई में हालात नाजुक हैं, और इन हालात नाजुक में हमें एकता के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं देता। अल्पजन बन के एक जाति के साथ खड़े रह के शायद हम कामयाब ना हो पाए, लेकिन अगर हम महापुरुषों के संदेश को समझे और पुनः बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाएं, तो शायद भारत में हमारे जो आज वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है, आने वाली पीढ़ियों में क्या बचेगा इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो शायद हमारी लड़ाई कामयाब हो जाए। मैं तो आंदोलन चलाने वाले सभी साथियों में उम्र में सबसे छोटा हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी भी अपने कार्य से निराश ना करूं। मैंने तो सीखा ये है और यही सिखाया है कि जब भी जहां भी जरूरत पड़े तन मन धन से तैयार रहना, अपने लोगों को निराश मत करना, और मैं अभी भी इस प्रयास में लगा हुआ हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज के लोगों में एकता बने, और मुझे लगता है कि ये प्रयास भी आने वाले समय में सफल होंगे। लेकिन निराशा इस बात की है कि भारत में महापुरुष भी बताएं, संविधान भी कहता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा है उन पर अत्याचार भी ज्यादा है, और वो अधिकारों से भी सबसे ज्यादा वंचित है। इस मंच पे ये नाम नहीं बैठे, विचार बैठे हैं, व्यक्ति नहीं बैठे, संदेश बैठे हैं। मैं इसका, इस मंच का पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि हम उम्मीद को रखने वाले लोग हैं, हमारे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि अपनी एकता को बना के रखिए। हम सब लोग, जैसा हमारे जिम्मेदार साथी ने कहा कि पूरा आंदोलन बैकवर्ड और फॉरवर्डों के बीच है, और आंदोलन अधिकारों का है, ना धर्म का है, ना जात का है, हिस्सेदारी का है। मैं इस बात को और ताकतवर तरीके से संबद्ध करता हूं कि आज के दलित और आदिवासी भी देश में पहले से अगर ज्योतिबा फूले पे पड़े आधुनिक भारत में जो महापुरुष हुए हैं, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े, तो उनके आंदोलन हमें शिक्षा देते हैं कि हम अति शूद्र और शूद्र थे, हम अछूत और अति शूद्र थे, यानी कि हम सारे ही बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो,
या माइनॉरिटी के लोग हों, तो मैं इस बात को और ताकतवर बल देता हूं कि ये पूरा आंदोलन अगड़े और पिछड़ों का आंदोलन है। और जब पिछड़े वर्ग के लोग अधिकारों के लिए लड़ने का काम करेंगे तो डंडे और झंडे के साथ हम इस आंदोलन को सींचने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाले नस्लों को जवाब देना है। लड़ाई आपकी मेरी नहीं है, हम तो जागरूक सजग लोग हैं। आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में क्या बचेगा? महापुरुषों ने संघर्ष से पेड़ लगाए और उसके फल हम लोग खा रहे हैं। आज अगर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां खड़ा होकर बोलता है तो ये महापुरुषों के संघर्ष, बलिदान, त्याग के जो कारण जो हमें फल मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं संविधान में, ये उनकी देन है। अगर वास्तविकता में ये अधिकार चले गए तो शायद कभी किसी हेडमास्टर, छोड़िए आईएएस आईपीएस का बेटा भी यहां खड़ा होकर नहीं बोल पाएगा। मैंने बड़ी मजबूती से महसूस किया और मुझे हमेशा साथियों ने प्रेरित किया कि पढ़िए, क्योंकि मेरी उम्र कम है तो मैं ये तो नहीं कह सकता मैं 30 साल से आंदोलन चला रहा हूं या 40 साल से आंदोलन चला रहा हूं या 20 साल से आंदोलन चला रहा हूं। मैंने तो जो कुछ भी सीखा इस मंच पे बैठे हुए लोगों से या महापुरुष जो लिख के गए उससे सीखा। मुझे आज भी याद है जब मैं पढ़ता हूं बाबा साहब अंबेडकर के 1956 के स्टेटमेंट को, जो किताबों में लिखा हुआ है आगरा का, कि मैं तमाम तरह के अपमान, अन्याय, आरोप सह के इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों, यही मेरा आपको संदेश है। आज तो कारवा लूट चुका है, भक्ति छोड़िए साहब, हालात देखिए क्या हो गए हैं। वो जो नेता घर से बाहर नहीं निकलते उनको आपकी और मेरी परवाह नहीं। आज मजबूर है हम लोग कि न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी हम रोज लाशें उठा रहे हैं। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या दिल्ली, मैं तो दिल्ली के लोगों को बधाई दूंगा मेरे सम्मानित मंच कि आज दिल्ली का रिजल्ट आया है। एक से एक वक्तागण यहां बड़े बड़े ओजस्वी भाषण देते हैं, दिल्ली में लोग खुशी मना रहे हैं और ये लोग यहां जो है बताइए सम्मेलन कर रहे हैं। जिनका देखिए, जिनकी वोट नहीं उनका राज स्थापित हो गया है एमसीडी में भी। इनका देखिए, इनका हौसला और इनका रास्ता देखिए कि वो लोग दिल्ली में जश्न मना रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, जिनका इतना सा वोट है और जिनका इतना बहुसंख्यक वोट है ये यहां तमाशबीन बने बैठे हैं, बताइए। और कह रहे हैं वोट हमारा राज तुम्हारा, सारे मनेता यही कहते हैं, बताइए, कोई कमी छोड़ता ही नहीं है। मगर ये बताओ दिल्ली में आपके हिस्से में क्या है एमसीडी में, जरा दिल्ली के लोगों हाथ उठा के बताना मुझे। बड़े हमारे बहुजन मीडिया के लोगों से भी धन्यवाद कहता हूं, झूठ मत दिखा करो यार, क्या झूठ दिखाते रहते हो कि हम तो यहां किला ढा देंगे। हालात देखो आज क्या, एक सीट नहीं जीत पाए, एक सिंगल सीट। पिछलग्गू बन के अपने हिस्से की बात भी नहीं कह सकते हो मेरे साथियों। एक साहब ने कहने का प्रयास किया था तथागत बुद्ध के बारे में, बाबा साहब की प्रतिज्ञा के बारे में, देखो क्या हुआ। ये हालात है, सच यही है, उनके तलवे चाट के उनकी पूछ बन के हम अपनी, हम ओरिजिनल बात भी नहीं कह सकते हैं। अपने हक की बात तो छोड़िए जो महापुरुष कहकर चले गए। इसलिए कह रहा हूं दिल्ली के लोग बधाई के पात्र हैं, इतनी बड़ी आबादी और फिर भी बैठना जूतों में ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई बताओ, जब आप लोग सुधरना नहीं चाहते। मैं तो प्रयास कर रहा हूं और मेरे साथ हजारों साथी प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में भी कि हमारे लोग जागे, लेकिन आप आदत छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम फिर जगाएंगे, फिर आपके बीच में जाएंगे, फिर समझाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर इस काम को हम पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो किन से उम्मीद करें, वो लोग जो सुबह उठ के काम पे निकल जाते हैं। ये तो पूरा समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, थोड़ा बहुत अगर आरक्षण से जो नौकरी मिली उसके कारण बन पाए। इसलिए जो पढ़े लिखे सजग लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। जैसे बहुजन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, बहुजन नेता भी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी रोजी रोटी, अपनी तैयार की गई संपत्ति, अपने परिवार की चिंता छोड़कर समाज की चिंता करें, क्योंकि अगर हम इनकी चिंता करते हैं
और उनकी चिंता करने वाला नेता कभी समाज का भला नहीं कर सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप मेरी बात को याद रखना, जो परिवार की और अपनी संपत्ति की परवाह करेगा, मेरे ऊपर कितने आरोप लगा लो, कितनी बुराई कर लो, कितने जो है तमाम तरह की मुसीबतें खड़े कर दो, लेकिन पूछो, आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी। आप जहां भी हैं, जिस दल में भी हैं, वहीं बैठ के दूसरे लोगों से सीख लेके अपने समाज के बारे में सोचो। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, कारवा लूट चुका है, ईवीएम पे रोते रहो, आरक्षण पे रोते रहो, किसी और चीज पर रोते रहो, एक वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर देके गए आपको, किस वोट से इस देश में आपका राज आएगा। और इस उम्मीद के साथ चले गए कि आने वाली पीढ़ियां समझेगी, कहां 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील जी समाज में तैयार हो जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। बताओ, रुके नहीं रुके हो? आज लाखों डॉक्टर, लाखों इंजीनियर, लाखों वकील हैं, मगर बताओ न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मेरे काबिल साथी यहां बैठे हैं, कह रहे थे ईडब्ल्यूएस पे फैसला आएगा हमारे पक्ष में, और एक दो काबिल और बैठे वो हंस भी रहे थे, कहे कि ये गुमराह कर रहे, कोई फैसला नहीं आया। अगर वाकई में नहीं आया, क्लोजियम सिस्टम भी इसमें है, लेकिन उनको चैलेंज कहां से करोगे? उसकी ताकत बता दो कहां है। बस इस देश में सड़कों से नारे लगते हैं और कानून सदनों से बनते हैं। आप इससे बड़ा सम्मेलन करो, जिनको कुछ देना नहीं वो नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपनी ताकत बना लोगे और कानून बनाने की हैसियत में चले जाओगे, फिर आपके लोगों के आधे से फैले नहीं रहेंगे। तो मैं मेरे सोए हुए बहुजन समाज के लोगों, चाहे कितनी भी निंदा करो, कितना भी विरोध करो, लेकिन हालात देखो कि आज हालात क्या है। और मेरा पूरा भरोसा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि 21वीं सदी हमारी है, ये 21वीं सदी चल रही है, हम रहे ना रहे, आप उम्मीद रखो, जो इधर बैठे वो भी और जो इधर बैठे वो भी, ये देश भी सलामत रहेगा, हमारा राज भी आएगा और महापुरुषों का सपना पूरा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर झूठे नहीं हो सकते, उनकी औलादें झूठी हो सकती है, नालायक औलादें, सच्चे औलादें भी झूठी नहीं है और बाबा साहब अंबेडकर भी झूठे नहीं। अगर ज्यादा लोग नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे हैं, और जो दांव पे लगा के कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आयोगों का धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि सजग रहिए, जिम्मेदार बनिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जो महापुरुषों के आंदोलन से आपको मिला है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की जिम्मेदारी भी आपकी है। पुनः फिर मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहर, नीला सलाम, धन्यवाद।